भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, किसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। मिलिट्राइज में आपका स्वागत है, मैं असरार अहमद। असम के मुख्यमंत्री ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा कह रहे हैं कि हिंदुस्तान से मुसलमानों के इतिहास को मिटा देना है और उनके इतिहास को अब नहीं पढ़ा जाएगा। आपको मालूम होगा कि जो कुछ हरिद्वार में धर्म संसद के नाम पर हुआ, धर्म संसद का आयोजन करके जिस तरीके से वहां पर गुंडई की गई, खुलेआम मुसलमानों के मारने और काटने की बात की गई, अब उसका असर पूरे देश में दिखने लगा है। धर्म संसद हरिद्वार में हुई, हरिद्वार के बाद रायपुर में हुआ, और अभी तक जिन लोगों ने ऐसा किया उनके खिलाफ पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी खुलकर मुसलमानों को मारने और काटने की बात करना शुरू कर दी है। इसी क्रम में असम के मुख्यमंत्री, जो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वहां पर उनकी सरकार है, उन्होंने कहा है कि मुसलमानों के इतिहास को इस देश से मिटा देना होगा। मैं आपको असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा की वीडियो दिखाना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले ये कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व इस पूरे मामले में खामोश रहा, लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है। जिन लोगों ने ऐसा किया, खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बात की, देश और विदेश में इस पर बातचीत हुई, लोगों ने कहा कि ऐसा करके लोग भारत देश को किस ओर ले जा रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पूरी तरीके से खामोश रहे, तो लोगों को संदेह होने लगा कि इनकी खामोशी देश को एक ऐसे ओर ले जा रही है जहां पर लोग खुलेआम दंगाई बन जाएंगे। पहले आप वीडियो देखिए और सुनिए क्या कह रहे हैं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा। भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओएसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, किसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडो सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनियल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर, आपने उनको सुना कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस मुल्क से निजाम खत्म कर दिया जाएगा, यानी जो कुछ निजाम के बारे में यहाँ चल रहा था, असदुद्दीन ओवैसी के बारे में उन्होंने विवादित बयान दिया कि जब आर्टिकल 370 खत्म हो गया वो वापस नहीं आएगा, तो ओवैसी क्या चीज है, ओवैसी को भी पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री किस तरीके से विवादित भाषण दे रहा है, किस तरीके से सांप्रदायिक भाषण दे रहा है, बात कर रहा है, आप समझ सकते हैं कि एक संवैधानिक पद पर बैठे लोग अब किस तरीके की बात करना शुरू कर दिए हैं। ये सब वहां से शुरू हुआ कि हरिद्वार में जो कुछ हुआ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, वहां से खुलेआम ये कहा गया था कि ऐसे 100 लोगों को तैयार करना है जो मुसलमानों के घरों में घुसकर उनके 20 लाख लोगों का मर्डर कर सकें, कत्ल कर सकें, लेकिन उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। रायपुर में भी जो एक कार्रवाई हुई तो वो सिर्फ इसलिए हुई कि उसने गांधी जी को गाली दी थी, उसमें भी मुसलमानों को मारने और काटने की बात की गई थी, उस पर किसी की भी गिरफ्तारी और किसी के खिलाफ एफआईआर तक नहीं हुई। इसलिए अब लोगों का मनोबल लगातार बढ़ता जा रहा है और एक राज्य के मुख्यमंत्री की ऐसी भाषा कि मुसलमानों के इतिहास को अब मिटा देना होगा। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि एक तरफ 80% लोग और एक तरफ 20% लोग, 20% लोगों ने हमेशा हमारी मुखालिफत की है, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो हम कोर्ट नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि वो किसको निशाना बना रहे हैं और एक विशेष समुदाय के लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।
हमारी वीडियोस देखने के लिए बेहद शुक्रिया। मिल्लत टाइम्स की खबरें पढ़ने, सुनने और देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें। यहाँ आप उंगली की क्लिक में पढ़ सकते हैं 4 जबानों में न्यूज़, उर्दू, हिंदी, अंग्रेज़ी, बंगला। आप ऐप पर मिल्लत टाइम्स की वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो रेड बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो ज़रूर करें। Twitter और Instagram पर भी मिल्लत टाइम्स को फॉलो करें। मिल्लत टाइम्स की स्टोरीज हासिल करने के लिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बराह रास्त हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे काम से आप मुतमईन हैं तो इसे जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमें सपोर्ट करें। स्क्रीन पर दिख रहे और डिस्क्रिप्शन में दिए गए अकाउंट नंबर पर मिल्लत टाइम्स को अपनी रकम भेज सकते हैं। अगर आपके इलाके का कोई मामला है, आपकी मसाइल को मीडिया में जगह नहीं दी जा रही है, तो हमें ईमेल करें या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। मिल्लत टाइम्स मतलब मजलूमों की आवाज़, नफरत के खिलाफ जंग, फर्जी खबरों से निजात। www.millattimes.com